इस नज़ारे को कुछ इस तरह से देखें। बद्रीनाथ से हम तकरीबन 12 किलोमीटर ऊपर चढ़े हैं और ये अब हम पहुंच गए हैं नीलकंठ के तकरीबन 20 कैंप पर। थोड़ा सा आगे से वापस लौटे हैं तो ये बेस कैंप है नीलकंठ का, और जो मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ये है नीलकंठ। नीलकंठ पर्वत जो बिल्कुल बद्रीनाथ के ऊपर की तरफ है, बद्रीनाथ धाम जो है उसके ऊपर की तरफ है। तो हम लोग यहाँ आज हैं और हम एक अनप्लान्ड जर्नी हमने शुरू की थी, एक रोड ट्रिप शुरू किया था देघाट से, और सिर्फ हमारे पास 2 दिन थे। जब हम बद्रीनाथ पहुँचे तो अचानक से सुबह में प्लान बना कि हम क्यों ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रैक करें, और ये ऊपर की तरफ ट्रैक करते करते हम तकरीबन 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ाए। तो ये 12 किलोमीटर और यहाँ पर हालांकि हमें नीलकंठ के दर्शन तो नहीं हुए, नीलकंठ का जो पहाड़ है ये बहुत खूबसूरत सा पहाड़ कल दिखाई दे रहा था, लेकिन आज सुबह से ही बादल से घिरा हुआ है क्योंकि यहाँ बर्फबारी हो रही है, अभी भी बर्फबारी हो रही है। देखिए तो ये हल्की बर्फबारी है, और जो आसपास के पहाड़ हैं ये ज़रूर हमने थोड़ा सा और खुले तौर पे देखे, तो ये बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं और बर्फ़ से जो एक बर्फ़ और पहाड़ के अपने रंग का जो काले रंग का जो कंट्रास्ट होता है, भूरे काले और सफ़ेद रंग का आपसी कंट्रास्ट जो है वो एक अजब सी दुनिया रच देता है। तो हमें मालूम ही है कि पूरी दुनिया भर में बर्फीले पहाड़ जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, और हम यहाँ पर आज नीलकंठ में एक बिना किसी एक बहुत प्लान्ड वे में, हमने कहीं जाने का तय नहीं किया और हम नीलकंठ पहुंच गए जो कि एक बर्फीला पहाड़ है। तो बहुत खूबसूरत हम नज़ारों के बीच हैं, हम आपको ले आए नीलकंठ और फिर से हम लोग आपको कहीं और ले चलेंगे अगली यात्रा में। तो यात्राएं जारी रहेंगी, सारी रहेंगी और प्यारी रहेंगी। तो यात्राएं जिंदाबाद।